हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया इन द किचन। आज मैं बहुत सारे दाल को मिक्स करके और सूजी के साथ में एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने बिल्कुल भी तेल का यूज नहीं किया है। ये रेसिपी विदाउट ऑयल बनाया गया है और काफी हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल को मैंने यूज किया है और साथ ही साथ इसमें मैंने सूजी का यूज किया है। इसका नाम जो है वो दाल पीठा है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना मैं दाल ले रही हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक कप सूजी ले रही हूँ। सूजी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही दाल की मेजरमेंट रहेगी। तो दाल में मैंने क्या क्या लिया है चलो बता देती हूँ। ये होल मूंग दाल है, साथ ही साथ मैं येलो वाला मूंग दाल ले रही हूँ। उसके नीचे जो है अरहर दाल है, कहीं पे इसे लाहर दाल या तूर के दाल के नाम से जाना जाता है, चना दाल और उड़द की दाल। आप और भी दाल चाहो तो इसमें अलग से कोई सा भी दाल मिक्स कर सकते हो, और चाहो तो आप रिमूव भी कर सकते हो। ओनली आप तूर के दाल के साथ भी इसे बना सकते हो। तो इस तरीके से जो भी आपका मन हो आप दाल को यूज कर सकते हो। मल्टी दाल काफी हेल्दी होता है, इसलिए मैंने यूज किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जिससे कि मेरी अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पे मैं एक पैन ले रही हूँ, उसमें मैंने बिल्कुल भी ऑयल यूज नहीं किया है, और उसी के साथ एक कप सूजी ले रही हूँ। और अपना कढ़ाई में सबसे पहले मैं पानी डाल रही हूँ। एक कप सूजी के अकॉर्डिंग जो है 1.5 कप यहाँ पे पानी डालना है। मेजरमेंट का खास ध्यान रखें, 1 कप सूजी में 1.5 कप वाटर। इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो चलिए जब तक पानी गर्म हो रहा है दाल का प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो एक इस दाल को ना मैं कप के मेजरमेंट से 1 कप दाल ले रही हूँ। चलो आपको मैं मेजर करके दिखाती हूँ। अगर आपको बहुत थिक पीठा नहीं पसंद है तो आप दाल की क्वांटिटी को कम कर सकते हो। मेरे घर पे सबको गाढ़ी पीठा पसंद है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी में ले रही हूँ। तो सबसे पहले दाल को जो है वॉश करेंगे 1 से 2 बार, और इसे अच्छे से वॉश करने के बाद में ना इसके पानी को फेंक देंगे। आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब ना एक कुकर का यूज करना है, जिसमें कि दाल को बॉईल करना होगा। तो सारे दाल को ना मैं कुकर में ट्रांसफर कर दे रही हूँ, और इसमें ना थोड़ा सा पानी डालकर जो है इसे बॉईल कर लेंगे। तो फिलहाल तो मैं 1 कप और 1.5 कप इस तरीके से आप पानी डालो एक आइडिया के अकॉर्डिंग कि दाल जले नहीं। तो चलो मैंने 2 कप पानी जो है यहाँ पे ऐड कर दिया है। साथ ही साथ मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे टमाटर। आप चाहो तो वेजिटेबल्स भी यूज कर सकते हो। 1 टेबल स्पून मसाला। इस मसाला की रेसिपी जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है मेरे चैनल पे, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वैसे इस मसाले में मैंने काली मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का यूज किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में ना इसके कुकर को बंद करना है और इसे बॉईल करना है। हल्दी पाउडर और नमक आप अभी भी ऐड कर सकते हो, और चाहो तो बाद में भी ऐड कर सकते हो, एज पर योर चॉइस। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। वंस अगेन जो है इसे चला लेना है, और चलाने के बाद में जो है कुकर को पैक कर देंगे और इसे ना गैस पे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। कुक का प्रोसेस जो है वो 1 वेसल हाई फ्लेम पे आने के बाद वॉल्यूम या टेम्परेचर, जिसमें भी आप इंडक्शन गैस जिस पे भी बनाते हो, बिल्कुल लो करके 5 मिनट कुक करना है। तब तक पानी भी जो है चलो देखते हैं बॉईल हो चुका है, आप देख सकते हो। अब बिल्कुल टेम्परेचर को मैं कम कर रही हूँ, और इसमें ना मैंने जो 1 कप सूजी लिया था उसको धीरे धीरे से यहाँ पर ऐड करेंगे। सूजी का जो है डो बनाना है, तो अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते तो आप गर्म पानी से भी सूजी का डो बना सकते हैं, जिस तरह से आटा को गूंथते हैं। बट इस तरीके से बनाओगे तो काफी इजी होता है। तो इसे तब तक चलाना है जब तक कि ये थिक ना हो जाए। ये बहुत जल्दी जो है वो थिक हो जाता है। तो एक डो के जैसा, जिस तरीके से आटा का डो होता है, बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी में इसे बनाना है। तो आप देख सकते हो ये अच्छे से जो है वो मिक्स हो चुका है। तो मिक्स करने के बाद ना इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि जब इसे डो को तैयार करेंगे तो हमारा हाथ नहीं जलेगा। तो 1 वेसल आ चुका है, मैं यहाँ पे चलो टेम्परेचर को कम कर देती हूँ। दाल जो है वो बिल्कुल कुक हो गया है, मैं उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दी हूँ। तो चलो तब तक जो है वो डो को रेडी कर लेते हैं। तब तक कुकर का जो वेसल है वो भी गैस उसका खत्म हो जाएगा और कुकर का ढक्कन खुल जाएगा। तो इसे अच्छे से जो है आटा को गूंथना है, जिससे कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और जब इसके हम लोग पीठा बनाएंगे तो वो काफी अच्छा से बन जाए, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। तो इसे थोड़ा सा 10 मिनट के अराउंड इसे गूंथना पड़ता है। तो आप देख सकते हो डो बिल्कुल रेडी है।
तो इसे ना अब मैं एक रोटी के जैसा बेलूंगी। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी लोई ली हूँ क्योंकि रोटी के जितना पतला इसका जो है थिकनेस नहीं रहेगा, थोड़ा सा मोटा इसे बेलना है। तो चलो इसे बेल लेते हैं। और बेलने के बाद ना इसे मैं शेप देकर दिखाऊंगी। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हो, जितना डिफरेंट शेप बनाओगे उतना अट्रैक्टिव लगता है देखने में और बच्चे भी बहुत पसंद से खाते हैं। तो आज ना मैं इसकी फ्लावर्स बनाऊंगी, तो चलो मैं फ्लावर्स आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्लास ले रही हूँ और इसे मैं कट कर रही हूँ। रोटी को मैंने बहुत मोटा नहीं बेला है और ना ही बहुत पतला, रोटी से थोड़ा सा मोटा। तो इस तरीके से सर्कल में मैंने कट कर लिया है और अब मैं इसे फ्लावर्स बनाऊंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप चाहो तो तीन वाले भी बना सकते हो या फिर चार वाले भी बना सकते हो। तो देख सकते हो मैं यहाँ पे चार कली का बना रही हूँ और एक मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ तीन कली का। तो आपको जो भी पसंद है, जो भी इजी लगता है आप बना सकते हो। तो आप देख सकते हो मैं इसे किस तरीके से जो है फोल्ड कर रही हूँ फिंगर की हेल्प से, और इस तरीके से इसे हल्का सा बीच में सेंटर पे इसे प्रेस कर देना है। आप इजीली देख पा रहे हो, बहुत आसान है ये फ्लावर्स बनाना। तो देख सकते हो बिल्कुल रेडी है। तो इस तरीके से जितने भी फ्लावर्स आपको बनाने हैं टोटल के टोटल बनाकर सबसे पहले रेडी रख लेते हैं, बहुत आसान है। देखो मैंने एक और बनाकर दिखाया है। तो चलो इस तरीके से जितने भी फ्लावर्स होंगे हम लोग बनाकर इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने चार फ्लावर्स बनाए हैं, काफी प्रीटी दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलो इस तरीके से सारे मैं बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो सारे फ्लावर्स जो है मैंने बनाकर रेडी कर लिया है और तब तक जो कुकर है वो भी ठंडा हो चुका है। तो चलो मैं उसके ढक्कन को हटाकर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो दाल जो है वो बिल्कुल बॉईल हो गया है। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में ना इसमें अभी और पानी डालेंगे। तो आप देख सकते हो ये अच्छे से बॉईल हो गया है, बट ये अभी थोड़ा सा थिक है। तो आपको जितना भी थिक पसंद है, गाढ़ा या पतला, उसके अकॉर्डिंग आप पानी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 कप वाटर ऐड किया है। आप देख सकते हो मैंने 2 कप डाला है, अभी मैं 1 कप और डालूंगी। तो इस तरीके से 3 कप वाटर मैंने ऐड किया है और इसके बाद ना जो पीठा हमने बना के रखा है रेडी उसको यहाँ पर मैं ऐड करूंगी। बिल्कुल हल्के हाथों से आराम आराम से ऐड करना है, अदरवाइज पीठे जो है वो टूट जाएंगे। और इसे बस एक बार चला लेना है। और आप चाहो तो यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हो। मैं आज विदाउट वेजिटेबल बना रही हूँ, मैंने ओनली टमाटर का यूज किया है। तो यहाँ पे एक बॉईल आने का वेट करना है। आप देख सकते हो थोड़ा सा बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। तो थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर मैं यूज कर रही हूँ, ये काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है, इससे काफी अच्छा कलर आएगा। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ, इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है। और इसके बाद ना अच्छा सा जब बॉईल आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे से इसमें उबाल आ जाएगा, तो इसे 1 से 2 बार बस चलाना है ताकि जब कुकर को मैं पैक करूंगी तो ये नीचे की तरफ जो है पीठे चिपकेंगे नहीं और ये जलेंगे नहीं। तो आप देख सकते हो बिल्कुल हल्के हाथों से मैं इसे 2 से 3 टाइम्स जो है वो चला रही हूँ। अब मैं इसके ढक्कन को बंद करूंगी और सिर्फ 1 सीटी, सिर्फ 1 विशल आने तक का वेट करना है। 1 विशल आ चुका है, अब मैं इंडक्शन को ऑफ कर रही हूँ, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद जो है कुकर के ढक्कन को हटाकर देखते हैं। देखिए पीठा जो है वो बिल्कुल रेडी है, काफी टेस्टी पीठा बना है। मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी ऑयल का यूज नहीं किया है, थोड़ा सा और अच्छा सा टेस्ट देने के लिए ना यहाँ पे थोड़ा सा धनिया का पत्ता यूज कर सकते हैं, इससे काफी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो चलो चॉप करके थोड़ा सा धनिया का पत्ती मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल रेडी है हमारा पीछा विदाउट ऑयल, काफी टेस्टी है। तो चलो मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ, जिससे कि आपको भी खाने का मन करेगा और आप भी तुरंत से बनाओगे। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी और आप लोग भी जरूर से जरूर ट्राई करेंगे। कहीं पे इसे आटा से बनाया जाता है, बट ट्रस्ट मी आप एक बार सूजी का बनाकर देखो, काफी टेस्टी लगता है, बहुत ही यम्मी सा इसका फ्लेवर आता है। तो बिल्कुल पिठा रेडी है। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने एक्सपीरियंस प्रिया इन द किचन के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।